तो गाइस कैसे यार, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई अक्षय कुमार ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। रिलीज कल होनी है, एक दिन पहले इन्होंने अपनी स्क्रीनिंग रख दी। अब सबसे पहले तो मैं आपको यार ये बता दूं, मेरे अपने एक्सपीरियंस में स्क्रीनिंग जिन पिक्चर मूवीज की प्रोड्यूसर्स करवाते हैं, कहीं ना कहीं मतलब उनको एक कॉन्फिडेंस होता है कि उनकी मूवी में दम है। वो स्क्रीनिंग करवाते हैं, कहीं ना कहीं उनको लग रहा होता है कि मूवी के स्क्रीनिंग के थ्रू रिव्यूज बाहर आएंगे और फिर सेकेंडरी कुछ उनके जो जर्नलिस्ट होते हैं या इंडस्ट्री के और लोग होते हैं उनके लिए भी ये स्क्रीनिंग होती है। तो बट भाई एक बहुत सही अपडेट बाहर आई है, स्क्रीनिंग खत्म हो चुकी है और ओ माय गॉड के रिव्यू बहुत सही आए हैं, बहुत ज्यादा सही। मतलब 3.5-3 स्टार वाले नहीं, पूरे 4 स्टार वाले रिव्यू आए हैं। तो यार मैं स्क्रीन पे आपको पूरा दिखा रहा हूं कि किस किस ने अभी स्क्रीनिंग खत्म होने के बाद रिव्यू देखा है। देखो पहला जो एक रिव्यू आया है वो है ये ऑलवेज बॉलीवुड करके है। ये जहां तक मुझे है ये एक ये सेंसर बोर्ड के लोग हैं, उनका चैनल है, बट एनीवेज देखते हैं, ये भी अच्छा रिव्यू है। एक ये प्रनीत समाया ने लिखा है कि ओ माय गॉड हैज टेकन अ बोल्ड स्टेप इन ब्रिंगिंग आउट अ टैबू सब्जेक्ट विद अटमोस्ट ग्रिपिंग प्लॉट। इन्होंने ये चीज लिखी है, एंगेजिंग स्क्रीन प्ले, राइट। अगर हम इसके बाद देखें तो इसके बाद तरण आदर्श का भी अगर रिव्यू देख लें तो तरण आदर्श ने कहा है कि बोल्ड, ब्रेव, प्रोग्रेसिव, इट कन्विंसेस व्हाट इट इंटेंड्स टू विदाउट मिंसिंग वर्ड्स। भाई कैप्टिवेटिंग प्लॉट, ग्रिपिंग स्क्रीन राइटिंग, यार ये सब जो वर्ड्स यूज हो रहे हैं ना, अगर ये इसका 70% भी सही निकल गया ना तो मैं आपको बता रहा हूं ये मूवी पक्का कल बहुत बढ़िया, जो हम 8-9-10 करोड़ की ओपनिंग ले रहे हैं उससे ज्यादा भी ले सकती है। अब ये एक मायापुरी मैगजीन, इन्होंने भी देखो 3.5 out of 5 star दिए हैं, बहुत सही है। तो भाई देखो मैंने ये, अब देखो एक इसमें आकाश शुक्ला जी है, इन्होंने कहा मास्टर पीस है, ये तो सब इन्होंने स्क्रीनिंग अटेंड करी होगी। तो यार अब मैं एक चीज बोलना चाहता हूं, देखो यार अक्षय कुमार ने जो ये स्क्रीनिंग रख दी है इसका इनको बेनिफिट मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कल जैसे ही ऑडियंस देखने जाएगी तो अगर इन्होंने अच्छी कह दिया तो उनको भी अच्छी लगेगी, ऐसा नहीं होता है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि इन जर्नलिस्ट को अपने दोस्तों वगैरह दिखा देते हैं, बोलते हैं, बट फिर भी यार देखो एक चीज नोटिस करना, यहां 3.5-3 स्टार की बात नहीं हो रही है, 4 and above stars की बात हो रही है। तो एज अ ऑडियंस भी अगर मैं बात करूं ना तो मुझे कहीं ना कहीं अब लग रहा है यार ओ माई गॉड भी सही होगी। मैंने अभी तक सिर्फ गदर 2 की बुकिंग कराई है अपनी मूवी टिकट्स की, पर अब हम सबको रुकना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि अक्षय कुमार के कल सुबह ऑडियंस रिव्यू कैसे निकलते हैं। चलो यार कल मैं आपको फिर रिव्यूज के साथ, बिल्कुल लेटेस्ट रिव्यूज के साथ अपडेट करूंगा गदर 2 का। मैं वहीं से हॉल से ही आपको बिल्कुल सिनेमा हॉल से रिपोर्टिंग करूंगा गदर 2 की भी। तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे, नोटिफिकेशन आइकन का बटन जरूर दबा देना ताकि आपके पास टाइमली नोटिफिकेशन आ पाए और आप रिव्यू देख पाओ। साइनिंग ऑफ, कुणाल।